हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नगेंद्र थालोर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और हाई बीपी किसको बोलते हैं। हाइपरटेंशन ये डिफाइन एज प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इलिवेशन ऑफ सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अबोव ए सर्टेन नंबर। ब्लड प्रेशर में दो नंबर इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक ऊपर का नंबर रहता है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है जब हार्ट कॉन्टैक्ट करता है उस टाइम आर्टरी में जो प्रेशर रहता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दूसरा रहता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी जब हार्ट रिलैक्स रहता है या हार्ट में फिलिंग होती है उस टाइम पे आर्टरीज में जो प्रेशर रहता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाइपरटेंशन की जो कट ऑफ वैल्यू है, यानी नॉर्मल कब होता है, हाई कब रहता है, इस पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग गाइडलाइंस रिलीज होते रहते हैं और उनके अनुसार इसकी कट ऑफ वैल्यू चेंज होती रहती है। हाइपरटेंशन की अलग अलग कैटेगरी रहती हैं। आज डिस्कस करेंगे JNC क्राइटेरिया और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्राइटेरिया क्या है ब्लड प्रेशर का। तो दोनों ही कैटेगरी में यदि ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80 है तो उसको नॉर्मल माना गया है। यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आपको अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना है, डाइट चेंज करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं। दूसरी कैटेगरी है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की, जिसमें ऊपर का ब्लड प्रेशर है 120 से 129 और नीचे का ब्लड प्रेशर है लेस देन 80 की। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्री हाइपरटेंशन में 120 से लेके 139 ऊपर का ब्लड प्रेशर है और 80 से लेके 89 तक नीचे का ब्लड प्रेशर है। तीसरी कैटेगरी है जिसमें ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से 139 है और नीचे का 80 से 89 है, इसको हाइपरटेंशन की स्टेज 1 बोलते हैं। इस कैटेगरी में आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, कंटिन्यू एक्सरसाइज करना है और यदि आपको कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे डायबिटीज है, किडनी डिजीज है या हार्ट की डिजीज है तो आपको कुछ मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। जबकि ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार 132, 139 और 82, 89 को प्री हाइपरटेंसिव ही माना गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का मोर देन 140 और नीचे का मोर देन 90 माना गया है, जिसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। जबकि ओल्ड क्लासिफिकेशन में मोर देन 140 और मोर देन 90 को स्टेज 1 हाइपरटेंशन माना गया है। इस कैटेगरी में आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही है और साथ में आपको मेडिसिन भी दी जाती हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 180 और मोर देन 120 है तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं और इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना रहता है। हाइपरटेंशन की जो न्यू गाइडलाइन है उनके अनुसार 46% पॉपुलेशन US की है वो हाइपरटेंसिव कैटेगरी में आ जाती है। हाइपरटेंशन को लो नंबर पे इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि लो नंबर पे भी हो जाते हैं, तो उनको जल्दी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार ये भी है कि आप जब भी बीपी मेजर करें प्रॉपर टेक्निक से मेजर करें और कम से कम 2 रीडिंग लें। ओल्ड डेफिनेशन में जो प्री हाइपरटेंसिव कैटेगरी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर से। हाइपरटेंशन को लो नंबर पे आइडेंटिफाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करता है, जैसे स्ट्रोक की रिस्क को 4 टाइम्स बढ़ा देगा, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को 3 टाइम्स बढ़ा देता है, इसके साथ में किडनी डैमेज भी करता है, आई प्रॉब्लम्स भी करता है। इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको पहचानना जरूरी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि यदि लंबे टाइम तक हाई रहेगा तो भी पेशेंट्स को सिम्टम नहीं आते हैं और ये अंदर ही अंदर बहुत सारी ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है, इसलिए उसको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लो ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं? जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर लेस देन 90 और 60 mmHg रहता है तो यूजली उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यदि उसको सिम्टम नहीं है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन यदि पेशेंट का बीपी लेस देन 90/60 है और उसको सिम्टम है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करना और ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है।